धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी पच्चीगर एंड सन्स की ऑनर पूर्वी पच्चीगर, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो पूर्वी जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में और आपको विश्व महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ टी खुशाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच जी। तो बात करते हैं पूर्वी जी से। पूर्वी जी, पच्चीगर एंड सन्स स्नेहल भाई की ऑनर है ज्वेलर्स की और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है, लेकिन इनके पीछे राज क्या है, कैसे वो सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हुई, तो हम उनसे बात करते हैं। पूर्वी जी, सबसे पहले फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और जिस तरह से आप एक ज्वेलर्स की ऑनर है, तो कैसे आपने मतलब ये ज्वेलरी फील्ड क्यों चुना और किस तरह से आप फील्ड में आई है? ज्वेलरी हमारे फोर फादर्स गिफ्टेड, वी आर गिफ्टेड विद द ज्वेलरी बिजनेस, हमारे फोर फादर्स बिजनेस बोला जाता है। और बोलते हैं ना कि जब छोटे थे तब से हम लोग ये बिजनेस में है, पापा के साइड से भी। और फॉर्चुनेटली आई एम मैरिड, शादी भी एक ज्वेलर के साथ ही हुई है, तो वही बिजनेस कंटिन्यू हुआ है जी। और मुझे काफ़ी अच्छा मौका मिला कि मैं उसी लाइन में एक्सेल करूँ, ज्वेलरी लाइन में जी। सो आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी डे बाई डे जी। तो उस हिसाब से एक फोर फादर बिजनेस होने के, जो ज्वेलरी बिजनेस फोर फादर बिजनेस हमें गिफ्टेड है, तो इट इज़ इन माय ब्लड कि पहले से हम लोगों ने गोल्ड को देखा हुआ है, गोल्ड ज्वेलरी देखी हुई है, तो आगे भी क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारे जी। यस, मतलब आपके जैसे जिस तरह से कहा जाए कि वारसागत बिजनेस ये है आपका। yes. और उसमें आप आए हैं, तो आगे बात करते हैं कि पूर्वी जी जिस तरह से बिजनेस में आई, तो उसके बाद आपके बिजनेस में जिस तरह से कहा जाए कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आप किस तरह से आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप क्या करती है? ऐसे तो आई वर्क विथ माई हस्बैंड जी, और हमारी एक टीम है जो पूरी वर्क करती है मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। शोरूम को रेगुलर अपडेट करते रहते हैं हम लोग, ज्वेलरी वाइज होता है या फिर स्टाफ होता है या फिर मैनेजमेंट होता है या फिर प्रमोशन होता है, ब्रांड प्रमोशन जी। तो एक टीम वर्क होता है हमारी पूरी शोरूम में जी जी, उस हिसाब से हम काम करते हैं जी। मेरा काम ज़्यादा शोरूम में रहता है, मार्केटिंग एंड डिज़ाइनिंग जी 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 जी। तो जिस तरह से आपने मार्केटिंग की बात कही कि अपने आपके शोरूम में काफ़ी स्टाफ भी रहता होगा, तो जो स्टाफ को कस्टमर को वो कैसे समझाए, किस तरह से कि उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो कस्टमर को एक संतोष मिले कि हम यहाँ पे शोरूम पे आए हैं तो यहाँ से हम कुछ लेके जाए, तो वो आप किस तरह से ट्रेनिंग देती है? मैं खुद उन लोगों के साथ, हम लोगों के एक मीटिंग रहती है हर रात को, हर शाम को एक डिस्कशन होता है, एक हेल्दी डिस्कशन होता है कि आज कस्टमर के साथ क्या डीलिंग हुई, कैसे डीलिंग हुई, कहाँ पे प्रॉब्लम थी, कहाँ पे इजी गोइंग था, तो वो सब डिस्कशन जो होता है उसके बाद हम लोग एक समराइज करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जी। तो उस हिसाब से डे टू डे वी गिव देम ट्रेनिंग हाउ टू डील विद कस्टमर्स जी 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 yeah. जी तो हम बात कर रहे थे पूर्वी पच्चीगर, जो पच्चीगर एंड सन्स स्नेहल भाई, जो सूरत का बहुत ही जाना माना फेमस ये ज्वेलर्स का शोरूम है और उनकी वो ऑनर है और एक आज
सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है। तो आगे हम बात करें, सक्सेसफुल बिजनेस वूमन तो है ही, लेकिन साथ में वो सोशल एक्टिविस्ट भी है, मतलब काफ़ी जगह पे काफ़ी संस्थाओं में वो सोशल काम भी करती है। तो पूर्वी जी बताइए आप कि आप कौन सी, किसके साथ आप जुड़ी हुई है और आप क्या कार्य करती है, समाज के लिए कुछ करती है, बहुत कुछ सेवा का काम करती है, तो क्या करती है आप? काफ़ी संस्थाएं, काफ़ी सामाजिक संस्थाएं जिसके साथ जुड़ी हुई हूँ जी, काफ़ी होदे हैं सब संस्था में मेरे, तो काफ़ी मतलब सब संस्था के साथ एक प्लेटफॉर्म मिलता है काफ़ी सामाजिक काम करने के लिए। तो जो भी जैसे फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी जो भी मेरे पास काम आता है, आई एम ऑलवेज रेडी टू पुट माई सेल्फ इन टू इट, और मैं हमेशा आगे रहती हूँ वो काम करने के लिए। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक बिजनेस संभालने के साथ साथ लोगों की मदद करना भी चाहती है और लोगों को, समाज को कुछ देना चाहती है, वो भी आप कार्य करती है। और आगे चलते हैं तो पूर्वी जी, आपकी जो शोरूम में है, तो आप एक वुमन्स है, तो आप किस तरह से, मतलब जो महिला है, क्योंकि महिलाओं के लिए गहना और जब सोना या ऐसा कुछ खरीदना है तो वो कुछ नहीं देखती है, बस क्वालिटी देखती है और बस उनको अच्छा लगना चाहिए वो देखती है। तो आपके शोरूम में जब वुमन्स कोई शॉप कुछ भी खरीदने के लिए आती है, तो किस तरह से, मतलब आप कुछ उनके लिए कुछ एक्सक्लूसिव आपके पास ऑफर रहती होगी तब भी वो आती होगी, तो किस तरह से है वो? देखिए, ज़्यादा ऑफ़र्स में मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो ऑफ़र्स दी जाती है वो कस्टमर बोलते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ तरीके से वो वापस ले ही लेते हो, तो हम लोग ज़्यादा ऑफ़र्स में नहीं बिलीव करते। जो रेगुलर हमारे रेट्स रहते हैं डे टू डे गोल्ड के, वो ही रखते हैं। लेकिन हाँ, स्पेशल ऑफ़र्स हमारी तरफ से जो हम देते हैं वुमेंस को, और जो सीज़न चलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, जी, जी। जैसे अभी हम लोगों ने वुमेंस डे की पूरा एक महीना चलाया, फिर फागुन स्पेशल चल रहा है अभी, फिर हमारा बैंगल मेला आएगा, तो उस हिसाब से सीज़न, एवरी मंथ देर इज़ समथिंग, सो वो वुमन गेट एडवांटेज ऑफ एवरी मंथ, यू नो, सो दे गेट एवरी डिफरेंट ऑफर्स एवरी मंथ। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये महिलाओं का शो है, और मैं हर महिला को चाहूँगी, अगर आप सूरत में है तो ज़रूर एक बार विजिट करिएगा पच्चीगर एंड सन्स की, और ये पूर्वी जी से भी ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि एक ज्वेलर शोरूम की वो ऑनर है और बिजनेस वूमन है। तो पूर्वी जी, आपके शोरूम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बता दीजिए। जी, ऐसे तो वी आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी, तो कभी भी आप हमारे शोरूम पे पधारिए, एंड आई रिक्वेस्ट वन एंड ऑल टू विजिट वंस टू आवर शोरूम, और हमारी जो रेगुलर ऑफर्स है या जो भी हमारे यहाँ सीजनल जो एडवांटेज आप ले सकते हो, वो ज़रूर आइए और पधारिए और हमारे यहाँ से लीजिए। जी जी जी, तो जाते जाते पूर्वी जी, हमारी जो महिलाएं उनको मैसेज क्या देना चाहती है, क्योंकि ये जो हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, लेकिन ये विश्व महिला दिन अंतर्गत ही हमारा शो है, तो आप ज़रूर एक मैसेज भी दीजिए हमारी वुमन्स को। डेफिनेटली, बस मैसेज एक वुमन का एक दूसरी वुमन को मैं देना चाहूँगी, ऑन स्पेशली ऑन वुमन्स डे, कि आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, एक दूसरे को अपलिफ्ट कीजिए, ना कि एक दूसरे की ईर्ष्या करिए, और जो भी काम करें अच्छी भावना के साथ करें, अच्छे मन से करेंगे, तो भगवान भी उस काम को आपको शाबाशी देगा और आपके साथ रहेंगे। जी जी, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही, और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।